की घड़ी पहन कर आई हूं। ये घड़ी उन्होंने मुझे जब ऑपरेशन करने जा रहे थे, मैं और मम्मी है बंबई के अंदर, तो उन्होंने मुझे कहा तीन चीज लेके आना दिव्या जब मैं ऑपरेशन थिएटर से आ जाऊं। उनको पता था कि वो अगले 48 घंटे के लिए सेडेशन में रहेंगे क्योंकि बहुत 11 घंटे का बड़ा ऑपरेशन था। उनका एक पेन, पेपर और मेरी घड़ी लेकर आना। और आप सोच नहीं कर सकते कि ऑपरेशन के बाद रात को 8 बजे वो थिएटर से निकले, सुबह 8 बजे जब उन्हें होश, मतलब वो सेडेशन में थे, भारी सेडेशन के अंदर, उन्होंने आंखें खोली, मुझे देखा और पहली चीज कही दिव्या घड़ी लाई, घड़ी। और मैंने उनको घड़ी उनकी कलाई पे पहनाई। या आईसीयू के अंदर फिर उन्होंने अपनी नींद में ऐसे पेन पे लिखा और नर्स को लिख रहे थे, नर्स ने कहा घड़ी साइड में बांध देती हूं। उन्होंने कहा नहीं सिस्टर, ये घड़ी है समय के इस चक्र पे, और सेडेशन में थे इसकी एक होलिस्टिक अप्रोच होती है, मतलब इसकी एक संपूर्ण रूप होता है इसका। मेरे पिता जब अपने जीवन की आखिरी सांस, वो आखिरी रात, मैं और मेरी मम्मी उनके सिरहाने बैठी थी, मुझे डॉक्टरों ने बता दिया था 1 साल पहले कि 1 साल से ज्यादा नहीं निकालेंगे। वो जब भाग्य कोई आपको निकाल के बता दे तो एक एक दिन नहीं निकलता, एक एक दिन ये लगता है कि कम हो रहा है। फिर उन्होंने कहा 2 महीने निकालेंगे, अब 1 हफ्ता निकालेंगे, अब 2 दिन निकालेंगे, और अब ये ज्यादा से ज्यादा ये रात या 1 दिन निकालेंगे। वो पूछो क्या बीतती है, ऐसे पत्री मेरे को नहीं देखनी, भगवान ना बताए। वो समय नहीं निकलता जब आपको समय की इस घड़ी पे ये पता हो कि जाने वाले हो। वो बढ़िया है जब नहीं पता हो एकदम से ले जाएं, लेकिन साथ वाले को जब पता हो कि आपके सबसे, आपके जीवन की सबसे, आपके जीवन की अस्तित्व की पहचान जा रही हो तो क्या बीतती है। मैंने उस रात कहा कि आपको नींद आ रही है, मैं घड़ी खोल देती हूं। उन्होंने कहा नहीं, मेरी घड़ी नहीं खोलना, मैं रात को भी टाइम देखूंगा। मैंने ये घड़ी चाड़ी में उनके पार्थिव शरीर से उतारी थी और आज पहनकर आई हूं। समय के इस चक्र पर ईमानदारी और हौसलों की लड़ाई लड़ने आई हूं, अपने पिता की घड़ी पहनकर आई हूं। ये घड़ी उन्होंने मुझे जब ऑपरेशन करने जा रहे थे, मैं और मम्मी है बंबई के अंदर, तो उन्होंने मुझे कहा तीन चीज लेके आना दिव्या जब मैं ऑपरेशन थिएटर से आ जाऊं। उनको पता था कि वो अगले 48 घंटे के लिए सेडेशन में रहेंगे क्योंकि बहुत 11 घंटे का बड़ा ऑपरेशन था। उन्होंने कहा एक पेन, पेपर और मेरी घड़ी लेकर आना। और आप सोच नहीं कर सकते कि ऑपरेशन के बाद रात को 8 बजे वो थिएटर से निकले, सुबह 8 बजे जब उन्हें होश, मतलब वो सेडेशन में थे, भारी सेडेशन के अंदर, उन्होंने आंखें खोली, मुझे देखा और पहली चीज कही दिव्या घड़ी लाई, घड़ी। और मैंने उनको घड़ी उनकी कलाई पे पहनाई। या आईसीयू के अंदर फिर उन्होंने अपनी नींद में ऐसे पेन पे लिखा और नर्स को लिख रहे थे, नर्स ने कहा घड़ी साइड में बांध देती हूं। उन्होंने कहा नहीं सिस्टर, ये घड़ी है समय के इस चक्र पे, और सेडेशन में थे इसकी एक होलिस्टिक अप्रोच होती है, मतलब इसकी एक संपूर्ण रूप होता है इसका। मेरे पिता जब अपने जीवन की आखिरी सांस, वो आखिरी रात, मैं और मेरी मम्मी उनके सिरहाने बैठी थी, मुझे डॉक्टरों ने बता दिया था 1 साल पहले कि 1 साल से ज्यादा नहीं निकालेंगे। वो जब भाग्य कोई आपको निकाल के बता दे तो एक एक दिन नहीं निकलता, एक एक दिन ये लगता है कि कम हो रहा है। फिर उन्होंने कहा 2 महीने निकालेंगे, अब 1 हफ्ता निकालेंगे, अब 2 दिन निकालेंगे, और अब ये ज्यादा से ज्यादा ये रात या 1 दिन निकालेंगे। वो पूछो क्या बीतती है, ऐसे पत्री मेरे को नहीं देखनी, भगवान ना बताए। वो समय नहीं निकलता जब आपको समय की इस घड़ी पे ये पता हो कि जाने वाले हो।
वो बढ़िया है जब नहीं पता हो एकदम से ले जाएं, लेकिन साथ वाले को जब पता हो कि आपके सबसे आपके जीवन की सबसे आपके जीवन की अस्तित्व की पहचान जा रही हो तो क्या बीतती है। मैंने उस रात कहा कि आपको नींद आ रही है, मैं घड़ी खोल देती हूं। उन्होंने कहा नहीं, मेरी घड़ी नहीं खोलना, मैं रात को भी टाइम देखूंगा। मैंने ये घड़ी चाड़ी में उनके पार्थिव शरीर से उतारी थी और आज पहनकर आई हूं। समय के इस चक्र पर ईमानदारी और हौसलों की लड़ाई लड़ने आई हूं।